हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज में कुछ इस तरह का पैटर्न अगर हमें प्रिंट कराना है तो ये देख सकते हैं, वन टू, ये एक इस तरह के शेप में है, ठीक है, चौकोर शेप में है। तो इस तरह का पैटर्न अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो कैसे प्रिंट करेंगे, तो देखिए इसके लिए मैंने प्रोग्राम लिखा है। अगर मैं इसको दोबारा से रन करवाता हूं तो यहां पे क्या लिखा हुआ आता है, ये लिखा हुआ आया है एंटर द नंबर ऑफ रोज। अगर मैं 4 रोज एंटर करता हूं तो ये कुछ इस तरह से प्रिंट होता है। और अगर इसी को मैं यहां से फिर इसको रन करवा लेता हूं और इस बार मैं यहां पे एंटर करता हूं 10, तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से प्रिंट हुआ है। तो अगर इस तरह का पैटर्न हमें प्रिंट कराना हो तो प्रोग्राम क्या लिखना होगा, ये चलिए दिखाता हूं आपको। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें यहां से एम्प्टी फाइल लेनी है, यहां से इस तरीके से, और अब यहां पर हमें वो कोड लिखना है जिस कोड के लिखने से ये प्रोग्राम बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं हेडर फाइल लिखता हूं हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। फिर यहां पर मेन फंक्शन बना लेते हैं, तो ये मेन फंक्शन हमने बनाया और फिर एंटर करके नीचे आएंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और यहां पे लिखेंगे प्रिंट एफ, क्योंकि यूजर को स्क्रीन पे क्या दिखाई पड़ेगा वो यहीं से डिसाइड होता है। तो यहां पे दे दिया मैंने एंटर द नंबर ऑफ रोज, ठीक है, कितने रोज नंबर में एंटर करनी है वो चीज यहां पे एंटर करिए। और फिर यहां पे नीचे दूंगा स्कैन एफ, ठीक है, स्कैन एफ क्यों, क्योंकि यूजर की मदद से इनपुट कराना है, तो ये स्कैन एफ दे दिया मैंने। और यहां पे दिया परसेंट, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर परसेंट डी दे रहा हूं क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, किसका, इंटीजर का, हालांकि अभी तक हमने कोई वेरिएबल नहीं बनाया, चलिए अभी वेरिएबल भी बनाते हैं या परसेंट डी दे देते हैं। परसेंट डी देने का मतलब यही है कि यहां पे जो भी बनाएंगे इंटीजर वेरिएबल ही हम बनाएंगे, ठीक है, डेटा टाइप क्या देंगे, इंटीजर ही देंगे उसका। अब यहां पर आ गए, यहां पर दे दिया एड्रेस ऑफ ए, ठीक है, ए नाम का एक वेरिएबल हम बनाएंगे, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो आइए यहां पर अब एक वेरिएबल हम बना लेते हैं, तो यहां पर किया इंट ए, ठीक है। इतना कर लेने के बाद फिर हम नीचे आएंगे स्कैनअप के ठीक नीचे और यहां पर हमें लूप लगाने का काम शुरू करना है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि रेपिटेशन के लिए हम लूप ही यूज करते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर इंट टाइप का एक, इसी में एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट टाइप का, लूप के अंदर ही, ठीक है। तो इंट टाइप का एक वेरिएबल बना लेता हूं आर नाम से और आर में इनिशियलाइज कर देता हूं 1, यानी आर इज इक्वल टू 1 लिखा और फिर आर इज लेस देन इक्वल टू, क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू ए तक चलाएंगे इसको, ठीक है, ए में जो आप देंगे उसी के हिसाब से इसको चलाएंगे और फिर यहां पर आर प्लस प्लस कर देंगे यानी इंक्रीमेंट कर देंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस यहां लगा देंगे, लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बनती है ये तो आपको पता ही है, फिर यहां लगाएंगे फॉर लूप, दूसरा फॉर लूप यानी नेस्टेड फॉर लूप मैं लगा रहा हूं और फिर यहां पर इंट टाइप का एक और वेरिएबल हम बनाएंगे, डेटा टाइप रखेंगे उसका इंट और सी नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसमें भी स्टोर करा देते हैं 1। अब यहां पर क्या करेंगे हम, यहां पर कहेंगे c इज लेस देन इक्वल टू कहां तक, n तक चलाएंगे और फिर c प्लस प्लस कर देंगे यानी इंक्रीमेंट कर देंगे और इसकी भी बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बना लीजिए और फिर यहां पे प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो यहां लिखा प्रिंट एफ और प्रिंट एफ लिखने के बाद चूंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर है हमारा, अच्छा यहां पे एक चीज, अनोखी चीज मैं दे रहा हूं, यहां पे लिखूंगा परसेंट 3d, ठीक है, जिसके वजह से ये पैटर्न प्रिंट होगा। अच्छा ये देखिए यहां पे परसेंट 3d लिख दिया हमने, जनरली हम यहां पे परसेंट डी देते हैं, यहां कॉमा देंगे और सी में रिजल्ट प्रिंट करवा देंगे, ये हो गया हमारा काम। अब हम चाहते हैं कि लाइन भी चेंज होती रहे, भाई एक ही लाइन में तो चाहिए नहीं, लाइन चेंज होती रहे, तो इसके वजह से यहां बैकस्लैश एन लगा देता हूं और इसे क्लोज कर देता हूं, यहां से ओपन होगा फिर क्लोज होगा इस तरीके से, ठीक है। अब ये ओपन और क्लोज दोनों हमने कर दिया है और यहां पे टर्मिनेट करके और इस ब्रैकेट को भी क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को जब हम क्लोज करेंगे तो ऊपर का एक और ब्रैकेट है उसे भी क्लोज कर देंगे। अब देख लीजिए, गिन लीजिए, एक ब्रैकेट ओपन हुआ, फिर दो ओपन हुआ, तीन ओपन हुआ, ठीक है, एक क्लोज हुआ, दो क्लोज हुआ, तीन क्लोज हुआ, तो ये तीनों क्लोज हो गए। अब इसको सेव करने की बारी, तो यहां से जाकर के इसको सेव करता हूं, स्क्वायर, स्क्वायर के नाम से सेव करता हूं, स्क्वायर डॉट सी, ठीक है। तो ये स्क्वायर डॉट सी के नाम से इसे सेव कर दिया। अब यहां पर चलते हैं और इसे कंपाइल करवाते हैं, देखते हैं कंपाइल होता है नहीं। ओ यहां पर एरर आ रही है, इसे एन हो गया, यहां पर ए होगा, ठीक है। अब बस हो गया हमारा काम, ये इसे सेव करेंगे और अब कंपाइल करवाएंगे तो ये कंपाइल भी हो जाएगा। तो ये देखिए कंपाइल हो गया और यहां से इसको रन करवा देते हैं। तो अभी ये रन हो चुका है, देख सकता था नंबर ऑफ रोज, जैसा कि यूजर को स्क्रीन पर दिखाई देना चाहिए वैसा ही दिखाई भी पड़ रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे 5 रोज एंटर किए, तो यहाँ पे देखिए 5 इस तरह से शेप बन के आ रहा है। अगर इस प्रोग्राम को मैं बंद करके और दोबारा से एक बार और रन कर देता हूं तो यहां पर वापिस से वही चीज की, इस बार हम कितना देंगे, इस बार जो भी आएगा स्क्रीन पे तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ रोज थोड़ा कम दे देते हैं, इस बार 3 देते हैं। तो ये देखिए 3 रोज प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है,
इसी तरह से थोड़ा और ज्यादा भी देना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे ज्यादा भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे दे दिया 8, तो यहाँ पे देखिए 8 रोज प्रिंट हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये पैटर्न हम प्रिंट करा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।